जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के गांव नानपुर में पेड़ों के कटान की सूचना पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। वन अधिकारी जोगपाल ने बताया कि मेरठ गढ़ की सड़क के निर्माण के लिए 189 पेड़ों को काटने की अनुमति है। ऐसे में नियम अनुसार पेड़ काटे गए, लेकिन लकड़ियों का अवैध रूप से परिवहन हो रहा था। अवैध परिवहन में लिप्त लकड़ियों से फंसा ट्रक खेत में ही फंस गया। इसके बाद वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल ट्रैक्टर की मदद से खेत में फंसे ट्रक को निकालने का प्रयास जारी है। मामला शनिवार का है, जब गांव नानपुर में लकड़ियों को ले जा रहा एक ट्रक खेतों में फंस गया। अवैध परिवहन में लिप्त ट्रक की सूचना जैसे ही फॉरेस्ट विभाग को मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। विभाग ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है, जिसको निकालने का प्रयास जारी है।